नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गंगापार जंक्शन 2.0 पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रेलवे के जोन और उनके मुख्यालय। तो रेलवे के जोन है और उनके मुख्यालय से जो रिलेटेड प्रश्न आते हैं, तो जो टोटल जो है रेलवे में 18 जोन है, उनके मुख्यालय जो याद करने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, तो उस प्रॉब्लम को हम आपकी सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो रेलवे के टोटल जोन कितने? 18 जोन हैं। और बात करें रेलवे की, तो भारत में रेलवे की बात करें तो भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना है 16 अप्रैल 1853 में। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी पहली रेलगाड़ी भारत में। कब? 16 अप्रैल 1853 में। अब हम बात करेंगे रेलवे जोन और उनके मुख्यालय की। तो देखिए किस तरीके से आप बस देखते जाइए और चीज़ों जो मैं बताता था उनको सुनते जाइए, किस तरीके से आप 18 के 18 जोन को याद करिएगा। देखिए पहले हम बात करें, पहले एक फिगर बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से मैं आपको पहले ये तो बड़ा वाला बना है, उसके साइड में मैं छोटा वाला बना के इसको आपको बताऊंगा। देखिए ये डायरेक्शन बना लेते हैं, ये हो गई पूरब और ये हो गया पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ये आपको पता है। तो पहले शुरू करते हैं हम पूर्व, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसको याद करने के लिए छोटा सा आपको थोड़ा सा रिलेट करना होगा हमारे भारत का जो मैप है। तो मैं एक रफली मैप बना लेता हूँ। देखिए भारत के मैप की बात करें तो इससे देखिए आपको रिलेट करना होगा थोड़ा। देखिए पूर्व की बात करें तो पूर्व में आपको ध्यान रखना है कोलकाता, पूर्व में कोलकाता यहीं तो है, पश्चिम बंगाल कोलकाता वगैरह, ठीक है ना। तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय आपको याद रखना है कहाँ है? कोलकाता। अब बात करेंगे, ठीक है, तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय मैंने वहाँ पर लिख दिया है कोलकाता है, क्योंकि भारत के मैप में अगर आप लाइन एक परपेंडिकुलर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे रफली थोड़ा रिलेट करिए, तो जो है पूर्व, जो है पूर्व में पड़ता है कोलकाता। तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय हो गया कोलकाता। अब बात करेंगे पश्चिम रेलवे की, तो पश्चिम रेलवे की बात करें तो पश्चिम में पड़ता है, इधर पड़ता है मुंबई महाराष्ट्र वगैरह, ठीक है ना। तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हो गया मुंबई, ठीक है, तो ये यहाँ पे दे रखा है। तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई। अब बात करेंगे उत्तर रेलवे की, तो उत्तर में क्या है? उत्तर में है दिल्ली, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय हो गया दिल्ली। अब बात करेंगे दक्षिण रेलवे की, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई। चेन्नई कहाँ है? दक्षिण में है, साउथ में है, ये आपको पता है। तो चारों आपको याद हो गए होंगे, मैं एक बार फिर रिवाइज करा दिए देता हूँ। पूर्व में है कोलकाता, तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय हो गया कोलकाता। अब बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हो गया मुंबई। उत्तर रेलवे का मुख्यालय हो गया दिल्ली, ठीक है ना। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया? चेन्नई। तो ये चीज़ें मैंने बड़े वाले जो बड़े वाला फिगर जो बना है उसमें सभी चीज़ें मेंशन है, तो अब बस आप देखते चलिए, ठीक है। तो चार आपको जो है रेलवे जोन याद हो गए होंगे। अब चार और मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये उत्तर, ये डायरेक्शन जो, ये दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा है। तो इसके बीच में अगर एक पॉइंट रख दें तो इसको हम मानेंगे उत्तर मध्य, ठीक है। पॉइंट रख दीजिए, कुछ भी मेंशन कर दीजिए, तो ये बीच वाला होगा, ये उत्तर हो गई। तो उत्तर के बीच में जो है ये है उत्तर मध्य। अब बात करेंगे उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर मध्य रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय है इलाहाबाद, इलाहाबाद। तो इसको आपको बाद से याद रखना है इलाहाबाद, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। अब बात करेंगे दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय की। देखिए उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। अब बात करेंगे दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय की, तो बाद को बाद से आप कर दीजिए बस, तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा सिकंदराबाद। याद आ रहा है ना, ठीक है। तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? देखिए सिकंदराबाद। बाद को बाद से आप रिलेट करिए। अब बात करेंगे पूर्व दिशा की, पूर्व में हम एक बीच में एक पॉइंट रख देते हैं, ये हो जाएगा पूर्व मध्य, हो जाएगा ना पूर्व मध्य। तो पूर्व मध्य का जो होगा, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा? हाजीपुर, हाजीपुर, ये यहाँ पर मेंशन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। अब पूर्व मध्य हो गया। अब पश्चिम मध्य की बात करेंगे, ये पश्चिम दिशा है, तो इसके मध्य में एक छोटा सा पॉइंट रखते हैं, ये हो गया जो है पश्चिम मध्य रेलवे। अब पूर्व, यहाँ पे पूर्व है, तो पूर्व को पूर्व से रिलेट करिए, तो ये हो जाएगा जबलपुर, जबलपुर। तो याद आ गया पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। तो चार और आपको याद हो गए, कौन से मैंने बताया? मैंने आपको बताया उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, मैंने आपको ठीक से बताया उसको आप बाद से याद रखना है। उत्तर मध्य रेलवे का क्या हो गया? इलाहाबाद। अब उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद है, तो दक्षिण मध्य रेलवे का क्या हो जाएगा?
बाद को बाद से आप रिलेट करिए तो दक्षिण मध्य रेलवे का हो जाएगा सिकंदराबाद, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे पूर्व मध्य की, पूर्व मध्य की तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर। अब पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर, तो पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्यालय की बात करेंगे तो पूर्व को पूर्व से रिलेट करेंगे तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा जबलपुर। आप इस फिगर को जो है दिमाग में फिट कर लीजिए, दो तीन बार इस फिगर को बनाइएगा, तीन से चार बार बनाने के बाद आपको सभी चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी, 18 के 18 जोन आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएंगे, बस ये फिगर आपको दिमाग में बिठा लेना है। तो आपको टोटल 8 जोन मैंने याद करा दिए हैं, कौन कौन से मैं एक बार रिवाइज करा दिए देता हूँ। देखिए पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पूर्व में क्या है कोलकाता है, ठीक है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पश्चिम में क्या है मुंबई। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, उत्तर में क्या है दिल्ली। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, दक्षिण में क्या है चेन्नई, ठीक है। ये चार है, उसके बाद चार और मैंने याद कराए, पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे। तो उत्तर मध्य रेलवे का मैंने क्या बताया, बाद से याद करना है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, इलाहाबाद। अब उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है, तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या हो जाएगा, बाद को बाद से आप रिलेट करिए, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा सिकंदराबाद। इसी प्रकार पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ बताया, हाजीपुर। अब पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या हो जाएगा, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा पूर्व को पूर्व से, हाजीपुर को पूर्व से रिलेट करिए, ये हो जाएगा जबलपुर। तो आपको 8 जो है रेलवे जोन याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब एक और डायरेक्शन हम बनाते हैं, देखिए इस तरीके की डायरेक्शन बना लेते हैं। अब देखिए इस डायरेक्शन की बात करें, इस दिशा की बात करें, इसको क्या नाम देंगे, ये तो उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं पूर्व उत्तर, पूर्वोत्तर जिसको कहते हैं, पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पूर्व उत्तर हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे पूर्व उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय आपको याद रखना है गोरखपुर है, ये वहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर में है। अब इस डायरेक्शन की बात करें, इस दिशा की बात करें, ये दिशा को क्या नाम देंगे, देखिए ये पूर्व है और ये दक्षिण है, तो ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय क्या है, कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कोलकाता जो है यहाँ पर दो बार आ चुका है, एक पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है और एक दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन, इस दिशा की बात करेंगे, इस दिशा को क्या नाम देंगे, देखिए ये पश्चिम है, ये उत्तर है, तो इसको हम लिख सकते हैं उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम रेलवे की बात करें तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर। अब इस दिशा की बात करेंगे, ये वाली जो दिशा है इसको क्या करेंगे, देखिए इस दिशा की बात करें तो ये तो दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो दक्षिण पश्चिम ये जो दिशा होगी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है, हुबली कहाँ है, कर्नाटक में। तो ये आपको इस तरीके से याद रखने हैं। तो आपको टोटल याद हो चुके हैं, देखिए मैंने पहले वो चार बताए, फिर चार ये, अब ये चार, टोटल 12 आपको याद हो चुके हैं, ठीक है। ये मैं एक बार फिर रिवाइज करा दिए देता हूँ, देखिए इस डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये उत्तर पूर्व होगा या पूर्व उत्तर, तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर होता है। इसी प्रकार इसकी बात करेंगे तो ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो इसको दक्षिण पश्चिम कहेंगे, तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली होगा। इसी प्रकार इसकी बात करें, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, तो दक्षिण पूर्व ये दिशा होगी, तो दक्षिण पूर्व का मुख्यालय कोलकाता है। इसी प्रकार इसकी बात करें, ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये हो जाएगा उत्तर, सॉरी ये उत्तर, ये पश्चिम है, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम का हो जाएगा जयपुर। ये आपको टोटल 12 जो है याद हो चुके होंगे, 12 याद हो गए हैं। अब 13वां देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, मध्य, ये मध्य है ना सबका, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ आया, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय आप ऐसे याद रखिए, ट्रेन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, भारत में ट्रेन की शुरुआत जो हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, वो मुंबई से ही हुई थी, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय जो कहाँ है, मुंबई में है, तो ये आपको याद हो गया होगा, मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई है, क्योंकि रेलवे की शुरुआत ही हुई थी यहीं से, मध्य से, बीच से शुरुआत ही हुई थी, तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो टोटल आपको 13 याद हो गए। अब मैं 14वां याद कराता हूँ, 14वां देखिए, मैंने सभी डायरेक्शन आपको बता दी, देखिए ये डायरेक्शन मैंने क्या बताई थी, देखिए ये दक्षिण, ये पूर्व, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण पूर्व के बीच में एक पॉइंट रख दें तो उसे क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व मध्य कहेंगे ना, बीच में पॉइंट अगर रख दें तो इसे कहेंगे दक्षिण पूर्व मध्य। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर। ये आपको याद रख लेना है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है बिलासपुर। तो टोटल आपके हो गए हैं
जो है 14 जो है टोटल आपके हो चुके हैं। तो टोटल रेलवे जोन कितने हैं, टोटल रेलवे जोन हैं वो हैं 18। तो चार वो उधर रखे हैं, उनको आपको अलग से याद कर लेना है। वो कौन कौन से हैं देखिए, पूर्व उत्तर सीमांत रेलवे, पूर्व उत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय है गुवाहाटी, और पूर्व तटीय रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है भुवनेश्वर, और दक्षिण तटीय रेलवे, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय है विशाखापत्तनम। और यहाँ से एक सवाल भी बनता है कि 18वां रेलवे जोन कौन सा है जिसे हाल ही में बनाया गया है, तो वो है दक्षिण तटीय रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ है विशाखापत्तनम। ध्यान से आपको ये चीज़ें याद कर लेनी है। अब मेट्रो रेल की बात करें तो मेट्रो रेल का मुख्यालय है कोलकाता। तो इस तरीके से जो है 18 के 18वें जोन मैंने आपको बता दिए हैं और आपको याद भी हो गए होंगे। मैं एक बार फिर रफली थोड़ा बता दिए देता हूँ। देखिए पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पूर्व में कोलकाता है, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है। चार आपको याद हो गए थे, उसके बाद मैंने डायरेक्शन को डिवाइड किया था। तो इस डायरेक्शन में मध्य वाले की बात करें तो मध्य को मैंने बताया था उत्तर मध्य, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है इलाहाबाद है, मैंने बताया था। बाद को बाद से मैंने कहा था रिलेट करना है, तो उत्तर मध्य का इलाहाबाद हो गया, दक्षिण मध्य का क्या हो जाएगा, दक्षिण मध्य का जो हो जाएगा वो सिकंदराबाद हो जाएगा। अब पूर्व मध्य का, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है, हाजीपुर है, मैंने कहा था पूर्व को पूर्व से रिलेट करना है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, तो पश्चिम मध्य का क्या हो जाएगा जबलपुर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताई थी। और इस तरीके से देखिए इस डायरेक्शन की बात करें तो ये हो जाएगा उत्तर, ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम का जयपुर है, इसकी बात करें ये दक्षिण, ये पूर्व, दक्षिण पूर्व का कोलकाता, इसकी बात करें तो ये दक्षिण, ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का हुगली है, इसकी बात करें ये पूर्व, ये उत्तर, पूर्वोत्तर का जो है गोरखपुर है। और वो अलग से लिखे हैं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे गुवाहाटी, पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर, और 18, ये यहाँ से आपको याद रखना, ये सही से याद कर लेना है कि 18वां रेलवे जोन जो है कौन सा है, दक्षिण तटीय रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे जो 18वां रेलवे जोन है इसका जो है मुख्यालय विशाखापत्तनम। तो इस तरीके से आपको जो है 18 के 18वें जोन याद करने हैं। तो आई होप आपको याद हो गए होंगे। इस फिगर को आप विजुअलाइज कीजिए, इस फिगर को, इस जो चित्र बनाए इसको आप दिमाग में फिट कर लीजिए, दो तीन बार बनाइए। पहली बार बनाएंगे एक दो आपसे छूट जाएंगे, फिर आप इसको देख लीजिए, फिर दोबारा फिर बनाइए, फिर एक दो आपसे छूटेंगे। तीन से चार बार करने के बाद आपको क्या होगा कि आपको ये पूरा चित्र याद हो जाएगा। बस आपको जब याद हो जाएगा तो 18 के 18 आपको याद हो जाएंगे, कहीं से भी प्रश्न आएगा आप उसको क्लिक कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।